यार बहुत बुरी हालत हो गई थी मैरिज के 2 दिन पहले जब किसी ने सजेस्ट किया कि पिकनी वैक्स करा लो। सुनने में तो कितना अच्छा लगता है कि यार पिकनी वैक्स वैक्स कराने के बाद हमारी वहाँ की जो स्किन है वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, नेचुरल हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे ही पिकनी वैक्स कराई वहाँ पर बहुत बड़े बड़े रैसेस हो गए, फुंसी हो गई, दाने हो गए, पस पड़ गए और सारी स्किन रेड हो गई। यस, ये एक आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा था कि पिकनी वैक्स कराने के बाद अच्छा तो लगता है बट उसके जो साइड इफ़ेक्ट थे वो भी नीचे लिखे हुए थे। तो मैंने सोचा मेरी काफ़ी सब्सक्राइबर है जिनके कमेंट्स हैं कि हमारी नवंबर में मैरिज होने वाली है, हमारी अगले साल मैरिज होने वाली है, हमारी अब मैरिज होने वाली है, तो हम हमारे इंटीमेट एरिया के लिए क्या यूज़ करें जो काफ़ी सेफ रहे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए और आप सभी को भी बताई जाए कि अगर आप भी पिकनी वैक्स कराती हैं तो क्या ये सही है या सही नहीं है, इसी के बारे में फुल्ली डिटेल से बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस, मैरिज के बाद बहुत सी गर्ल्स के सपने होते हैं कि हम मैरिज के बाद हनीमून पर वहाँ जाएंगे, क्या क्या सपने वो देखती हैं। और ऐसे में जब उनको पता नहीं रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, वो पार्लर जाती है, पार्लर वाली आंटी मैडम उनके पिकनी वैक्स कर देती है, उनको बड़े बड़े सपने दिखाती है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, वहाँ पर इतनी जल्दी हेयर की ग्रोथ नहीं होगी, हेयर की ग्रोथ 1 महीने बाद होगी, 2 महीने बाद होगी, ऐसे बहुत सारे सपने दिखा देती है। और जो गर्ल्स, जो टीनेजर्स गर्ल्स होती है जिनकी न्यू मैरिज होने वाली होती है, जो नॉर्मल गर्ल्स होती है, उनको पता ही नहीं रहता है कि यार इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज तो हमें रहती नहीं है मैरिज के बाद में भी क्या क्या होगा। बट जब हम वैक्स करा लेते हैं, वैक्स कराने के 2 दिन बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पर तो बड़े बड़े रैसेस हो गए हैं, वहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो गई है, फुंसी हो गए, दाने हो गए, ओ माई गॉड, और इतना पैन होता है, और ऐसे में आपका हनीमून तो हो गया चौपट। तो अगर आप भी पिकनी वैक्स कराने की सोच रही हैं तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, आज ही पिकनी वैक्स को छोड़ दीजिए। पिकनी वैक्स की जगह कई इंटीमेट चीज़ें भी मार्केट में आती है, अब आप भी कन्फ्यूज़ रहेंगे कि आखिर हम क्या यूज़ करें। यस गाइज, मैं आपको पिकनी वैक्स के लिए तो कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि ऐसी चीज़ें आप कराइए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैन होता है और उन गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा पैन है जिनको वैक्स कराने में प्रॉब्लम होती है, तो आप पिकनी वैक्स के लिए तो सोच भी नहीं सकती हैं, वहाँ की स्किन तो बहुत ज़्यादा इंटीमेट रहती है। तो ऐसे की जगह आप हेयर रिमूवर क्रीम यूज़ कर सकती हैं। हेयर रिमूवर क्रीम तो अच्छी होती है, हम यूज़ करते भी हैं, बट गाइज आपको यकीन है एक बार फर्स्ट टाइम जब मैंने हेयर रिमूवर क्रीम यूज़ करी थी, कुछ नाम याद नहीं है मुझे इस टाइप की थी, जब मैं उसको लेकर बाथरूम में बैठी और मैंने जब उसको लगाया, यकीन नहीं इतनी गंदी उसकी स्मेल आ रही थी, और उसको लगाकर कम से कम 5 मिनट्स तक ऐसे ही रखना था, क्योंकि टीनेजर्स रहती हैं हम, हमें पता ही नहीं रहता है। मैंने उसको उस एरिया पे तो लगा लिया, लगाने के बाद वो जब बालों को इस तरीके से, मतलब गला रहा था, इस तरीके से कर रहा था, जैसे जैसे हो रहा था, और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि मुझे तो बाथरूम में ही वॉमिट जैसा होने लग गया, और वो पूरे बाथरूम में फैल गई जब तक मैं नहाती रही। तो मैं तो आपको ये नहीं कहूँगी कि कोई सी भी क्रीम आप यूज़ कर लीजिए, नहीं गाइस, आपको कोई सी भी क्रीम यूज़ नहीं करनी है, सभी क्रीम बेकार होती है, और उसको यूज़ करने के बाद कि हर किसी क्रीम को यूज़ करने के बाद आपकी वहाँ की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, कई रैसेस भी हो जाएंगे। तो हर सोची समझी क्रीम को यूज़ नहीं करना है, 40 रुपये की क्रीमें मार्केट में बहुत मिलती है, तो उन पर आपको यकीन नहीं करना है। और गाइस इसके अलावा कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो न्यू ब्राइडल को फॉलो करने ही चाहिए, अगर आपकी मैरिज होने वाली है, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो भी याद रख लीजिए, बाद में आपके काम आएंगे, क्योंकि कोई भी नहीं बताएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाद में बहुत काम आती है। जब हम सुंदर लगते हैं हमारी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं, ऐसे में अगर हम कोई भी इंटीमेट क्रीम यूज़ कर लेंगे तो वो हमारे हनीमून के पल को बिल्कुल स्पॉइल कर देंगे। तो हम हर तरीके की क्रीमें यूज़ नहीं कर सकते, मार्केट में इतनी क्रीमें तो आती है, हर किसी पे यकीन भी नहीं कर सकते कि कौन सी क्रीम कैसी है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इंटीमेट हेयर रिमूवर क्रीम यूज़ कर सकती हैं, यह आपके इंटीमेट एरिया के हेयर को अच्छे से रिमूव भी करेंगी, कोई स्मेल भी नहीं होती है, सल्फेट फ्री है, केमिकल फ्री है, कोई आर्टिफिशियल फ्रिक्वेंस भी नहीं है, सो काफ़ी बेस्ट है। इसको लगाना और हेयर को रिमूव करने में बिल्कुल भी पैन नहीं है, तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। और इससे आप अपने फेशियल हेयर को, एंड्रम्स हेयर को, ना भी हेयर को, पिकनी हेयर के हेयर को ईजिली रिमूव कर सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और आपको बहुत पसंद आएगी, तो इसे आप ज़रूर यूज़ कीजिए। नंबर 2, डोंट वियर पैंटीज एट नाइट। मोस्टली
मैरिड वुमेन तो नहीं भी पैंटी पहनेंगी तो चल जाएगी, अनमैरिड गर्ल्स होती है वो तो पैंटी पहनती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्हें भी पैंटी पहनना है। कई बार ऐसा होता है हम जिन दिन भर जींस पहनते हैं, लेगी पहनते हैं, टाइट पैंटीज पहनते हैं, जिसमें हमारे इंटीमेट एरिया को हम कवर करके रखते हैं, ऐसे में वहाँ की जगह पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पसीने से रैसेस वगैरह हो जाती है, दाग जैसे स्मेल हो जाते हैं, रैसेस, ईचिंग, इरीटेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर आप भी 24 आवर्स तक पैंटी पहनकर रहती हैं तो आपको 24 आवर्स तक पैंटी नहीं पहननी है, नाइट में आपको पैंटी को खोल देना है। इसकी जगह आप कोई भी लूज ट्राउजर पहन सकती हैं, शॉर्ट्स पहन सकती हैं, जिससे हवा आती जाती रहे, उस एरिया को भी हवा की बहुत ज़रूरत है, जिससे आपको किसी भी तरीके की डार्कनेस नहीं हो। टाइट कपड़े पहनने से हमारी वहाँ की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, और कई गर्ल्स के आपने देखा है इंटीमेट एरिया कितना ज़्यादा डार्क हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा रेजर यूज़ करती है, कैंच यूज़ करती है, उनको पता ही नहीं रहता है कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, और आपको 24 आवर्स तक पैंटी नहीं पहननी है। मैरिज हो रही है तो हमने हमारी हनीमूनस के लिए नेट की पैंटीज काफ़ी ग्लॉसी, काफ़ी सेक्सी, काफ़ी हॉट पैंटीज भी ली होगी। नेचुरल है, गर्ल्स लेती है क्योंकि हनीमून को लेकर एक बहुत सपने देखती है, और यही हसीन टाइम होता है जब हम सपने देखती है और बहुत सारी चीज़ें खरीदती है कि हम ये पहनेंगे, वो पहनेंगे, ये 90 पहनेंगे, वो 90 पहनेंगे। बट गाइस, शॉर्ट टाइम पीरियड्स के लिए तो काफ़ी बेस्ट है, बट अगर आप इस टाइम की ग्लॉसी को, इस टाइप की सैटिन पैंटीज को अगर आप लॉन्ग टाइम तक पहनेंगी तो बेस्ट नहीं है। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि लॉन्ग टाइम तक आप इनको पहनिए। अगर लॉन्ग टाइम तक आप इनको पहनेंगी तो आपकी जो स्किन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ईचिंग, इरीटेशन जैसी, रेड रेसेस जैसी, ब्लैक रेसेस जैसी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल भी आपको इस टाइप की चीज़ें नहीं पहननी है, आपको अवॉइड करनी है। शॉर्ट टाइम पीरियड्स के लिए तो बेस्ट है, उसके लिए आप इन्हें पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉन्ग टाइम के लिए अवॉइड कीजिए। आज की लड़कियाँ अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा ही जागरूक है। मोस्टली आपने कई गर्ल्स को देखा है कि अपने कैरियर की चिंता रहती है, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करती रहती है, ये करती है, वो करती है, ऐसे में सेल्फ केयर तो वो भूल जाती है। जितने हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं उतनी ही हमारी सेल्फ केयर की भी ज़रूरत है। पेडिक्योर मैनिक्योर, बहुत सी गर्ल्स तो पेडिक्योर मैनिक्योर करती नहीं है, उनको अच्छा भी नहीं लगता है। बट अगर आपकी मैरिज हो रही है तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखिए, आप पेडिक्योर मैनिक्योर कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा, आप काफ़ी अच्छा फील करेंगी और आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको टाइम नहीं है तो इन्हें पार्लर वाली को आप घर पे बुला लीजिए, घर पे बुला कर भी आप कर सकती हैं, नहीं तो आप पार्लर भी जा सकती हैं, बट ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए, ये आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को और बढ़ाएंगी। कई सभी तक तो आप सिंगल थी, बट अब आप सिंगल से डबल होने जा रही हैं, और ऐसे में अगर आपके पसीने की स्मेल आएगी तो कितना बुरा लगेगा। दिन भर तो आप ड्यू नहीं लगा सकती हैं, परफ्यूम नहीं लगा सकती हैं, कई चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनको अवॉइड करना पड़ता है कई जगह, तो उसका आप इलाज कीजिए। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, जब भी आप नहाती हैं बाल्टी में आप कुछ आए तो फिटकरी ले सकती हैं, आपको अपने इंटीमेट एरिया पे फिटकरी रगड़िए नींबू में, नहीं तो आप नहाते टाइम पानी में नींबू की कुछ बूंदें डालकर भी आप नहा सकती हैं। इससे आप दिन भर फ्रेश तो नज़र आएगी, साथ ही अगर आपकी बॉडी में से पसीने की स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को आप इग्नोर मत कीजिए, इन चीज़ों को अभी से कीजिए, वरना बाद में जाके आपको बहुत प्रॉब्लम्स होगी। सो गाइस, ये छोटे छोटे टिप्स से आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपने इनको फॉलो भी करेंगी, तो जब भी आपकी मैरिज हो ये टिप्स आपके काफ़ी काम आने वाले टिप्स हैं, इनको आप जरूर यूज़ कीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।